बार बादल बहुत, बिजली बहुत है जी, और बादल बहुत है, हो सकता है बारिश आए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अपडेट यह है भाई, कल ही मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी वजारत दाखिले की तरफ से, तमाम तर सऊदी हजरात को और जो गैर मुल्की मेरे भाई हैं, तमाम तर बंदों को मैसेज बोल रहे, वार्निंग जारी कर दी गई थी कि आप नंबर भी साथ में, मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है जी मुकम्मल तफसील के साथ, कि कोई भी बंदा अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की यानी कि बॉर्डर से दाखिल होता है गैर तरीके ममनू तरीके से, और अगर कोई बंदा उसे सपोर्ट करता है, उसे रहाइश पर रखता है, उसकी किसी भी किस्म किसी की सॉरी किसी भी किसी किस्म की मदद करता है, तो उसे भी 10 लाख रियाल तक का जुर्माना और 15 साल तक की कैद हो सकती है जी मेरे भाई, अपने जहन में रखिएगा। इसके ऊपर पहला नतीजा इसका बोल रहे हैं, यानी कि पहला रिजल्ट इसका बोल रहे हैं आ चुका है। वो क्या है, यहां पर इस तरफ या इस तरफ उस बंदे की वीडियो भी आपको चलाकर दिखा रखा हूं। इस बंदे ने ताइफ के कहीं पहाड़ों में मौजूद है, वहां से बॉर्डर वगैरह क्रॉस किया है, एथोपियन बोला जा रखा है इस बंदे को, यानी कि एथोपिया का है ये, और इसने भाई अपने मोबाइल से वीडियो बनाई है, वीडियो बनाकर उसमें बता रखा है कि अगर कोई बंदा है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट को, मरूर वगैरहों को, शुरतों वगैरहों को, मुबैस वाले जो है सबको भाई खुली वार्निंग दी इसने कि कोई है तो मुझे पकड़ सकता है तो आओ मुझे पकड़े। पीछे हार्डवेयर भी ये दिखा रखा है, और इसके चंद घंटे बाद ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले नंबर पर तो तमाम तर गैर मुल्की भाई, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियो बनाकर मत लगाइएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप किसी को जानते हैं या आपको कोई जानता है ऐसा बंदा, अगर किसी दूसरे बंदे ने आपको देख लिया और कॉल कर दी 911 या 999 के ऊपर, तो भाई आपको वजारत दाखलिया उठाकर ले जाएगी। ऐसे किसी भी बंदे की सपोर्ट मत कीजिएगा किसी भी किसी किस्म की, जिसके पास इकामा वगैरह बिल्कुल ना हो और आपको पता होगा ये बंदा भाई किसी ना किसी रस्ते से सऊदी अरब में घुसा हुआ है। बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है इस चीज के ऊपर, जुर्माने के मुतालिक आपको मैंने बता दिया है, ये पहला रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है। पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ इस बंदे ने बकायदा बताया मुझे को गिरफ्तार कर सकता है तो कर ले, क्योंकि जगह का पीछे नाम वगैरह भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चंद घंटों के अंदर ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम तर गैर मुल्की भाई अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा और अपने आप को भाई महफूज रखें, खासकर ये 1-2 महीने क्योंकि हज का सीजन चल रहा है।